नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तावते के बाद अब चक्रवाती तूफान यास का मंडराया खतरा। प्रभावित राज्यों बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक, चक्रवात की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। देश में घटे कोरोना के नए केसेस, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,22,315 नए मामले, तो वहीं 4,454 लोगों की हुई मौत। इसके साथ ही 3,02,544 लोगों ने कोरोना से जीती जान। कोरोना काल में रेलवे की बड़ी राहत, देश भर में 15,000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की दी सप्लाई। 234 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से विभिन्न राज्यों को पहुंचाई राहत। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस की जारी, 8 जून तक बढ़ाया त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। दौसा और डूंगरपुर जिले में मिले 600 से ज्यादा संक्रमित बच्चे। नशीली दवाइयों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अजमेर से 117 कार्टून नशीली दवाइयों के किए जब्त, करीब 11 करोड़ रुपए की बताई जा रही है नशीली दवाइयों की ये खेप।